उस्ताद कोचिंग क्लासेस ने दहम जमात के नतज की अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए मुसलसल 15वें साल एसएससी बोर्ड इम्तिहान में 100% नतज का रिकॉर्ड कायम किया है। मार्च 2022 में मुनदा बोर्ड इम्तहान के जारी करदा नतज के मुताबिक उस्ताद कोचिंग क्लासेस के 100% तलबा ने कामयाबी हासिल की है। महवेश अनम, शेख कलीम और नूरा फातिमा अब्दुल मुजीब ने 94.5% निशाना हासिल करते हुए मुश्तरिका तौर पर टॉप किया है, जबकि शेख अफनान शेख यूसुफ ने 90% निशाना हासिल किए। उस्ताद कोचिंग क्लासेस के तमाम तलबा ने तमाम मजामीन में उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। इन तमाम तलबा के एजाज में उस्ताद कोचिंग क्लासेस की जानिब से एक तहनीती तकरीब का अहतमाम किया गया। उस्ताद कोचिंग क्लासेस के डायरेक्टर सैयद इब्राहिम उस्ताद की जेर सदारत मुनक़िदा इस तकरीब में तमाम कामयाब तलबा के अलावा उस्ताद कोचिंग क्लासेस के असातिज़ा और सरपरस्त हजरात भी मौजूद थे। इस तकरीब में डायरेक्टर सैयद इब्राहिम उस्ताद ने तमाम कामयाब तलबा को गुलदस्ते पेश करते हुए इन्हें कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की और इनके दरख्शां मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। शानदार कोचिंग और मुफीद रहनुमाई के लिए तलबा ने सैयद इब्राहिम उस्ताद और तमाम असातिज़ा से इजहार तशक्कुर किया। वाज़ह रहे कि उस्ताद कोचिंग क्लासेस के पीरबुलान नगर और देगलू नाके पर 2 ब्रांचेस चलते हैं। क्लासेस में उम्दा तदरीस के साथ साथ करियर गाइडेंस भी किया जाता है। तालीमी साल 2022-2023 के लिए नए दाखिले जारी हैं। उस्ताद कोचिंग क्लासेस की स्टूडेंट रह चुकी हूँ। मेरा 10th में परसेंटेज 94.2 है। यहाँ पर इंग्लिश, मैथ, साइंस, हिंदी, मराठी सब सब्जेक्ट्स के लिए मुख्तलिफ टीचर्स है जो हमें अच्छी तरह से गाइडेंस करते हैं। यहाँ पर सारे सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया जाता है। पूरा सिलेबस कम्प्लीट होने के बाद यहाँ पर टेस्ट सीरीज दी जाती है, जिसमें बच्चों को टाइम मैनेजमेंट, डिसिप्लिन और क्वेश्चन किस तरह अटैम्प्ट करना, वो सब सिखाया जाता है, बताया जाता है। इन टेस्ट सीरीज़ की वजह से हमें हमारे बोर्ड एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। इसकी वजह से हमें बहुत सारी मदद हासिल होती है। दिस इज़ आयशा मकरानी, स्टूडेंट ऑफ अल अज़ीज़ इंटरनेशनल स्कूल। आई गॉट मार्क्स 86.00 एंड आई एम द स्टूडेंट ऑफ उस्ताद कोचिंग क्लासेस। दे हेल्प मी अलॉट एंड आफ्टर कम्प्लीशन ऑफ सिलेबस दे टुक टेस्ट सीरीज टू हेल्प एंड गाइडेंस एंड इट मीन्स अलॉट। मैं उस्ताद कोचिंग क्लासेस में 9th से पढ़ रहा हूँ और मेरा 9th के जब लॉकडाउन लगने के बाद उस्ताद सर ने जब नए नए ट्यूशन क्लासेस चालू कर दिए, जब से मैंने ज्वाइन किया था 10th के बोर्ड आए और कैसे कवर करेंगे, टाइम मैनेजमेंट करेंगे, मेरे उस्ताद सर के पास जैसे जैसे धीरे धीरे हमारा क्लासेस रन होने लगा, प्रोग्रेस भी हमारी बढ़ती गई। सर ने टाइम मैनेजमेंट के साथ हमें सब कुछ कवर कराया। सर के पास फैकल्टी एक से एक है, इंग्लिश के लिए है, मराठी के लिए है, उर्दू बच्चों के लिए, खास करके मराठी में हम अटकते रहते हैं, बट उस्ताद सर के पास ये ऐसा ऑप्शन ही नहीं है कि मराठी के लिए बच्चों को कुछ डर खौफ दिल में रखने की। उस्ताद सर के पास हर एक फैकल्टी है। मैथ के लिए खुद वन मैन आर्मी टाइप है, हर चीज़ कवर कराते हैं। ये वर्ड प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो, ज्योमेट्री हो, हर चीज़। टेस्ट सीरीज यहाँ पे लास्ट मंथ में रन होती है और ये टेस्ट सीरीज़ के डाउट सेशन भी लेते हैं, और जिसकी वजह से ये बोर्ड के अंदर टाइम मैनेजमेंट हमारा स्पेशली मैथ का कवर होता है, और इसी वजह से मेरा पूरा कुल मिला के 10th के अंदर 90% आया है, और जिसके अंदर 95 साइंस में लेके आया है, और इसका मैं शुक्रगुजार हूँ। और उस्ताद कोचिंग क्लासेस का भी बहुत कहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ। बारगाह खुदाबंदी में मैं नाचीज़ उस्ताद इब्राहिम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करता हूँ कि हर साल की तरह इस साल भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस्ताद कोचिंग क्लासेस के नताइज को बरकरार रखा, उसने अपनी रिवायत को बरकरार रखा उस्ताद कोचिंग क्लासेस ने, और अल्लाह का लाख एहसान रहा कि यहाँ के तलबा व तालिबात ने हाईएस्ट परसेंटेज 94.20% स्कोर किया तालिब इल्मों ने, और उस्ताद कोचिंग क्लासेस का नतीजा 100% रहा, जो कि पिछले 15 सालों से उसकी अपनी रिवायत रही है। तलबा व तालिबात लॉकडाउन के माहौल से गुजरने के बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह इत्मीनान में थे। उनकी तैयारी इस अंदाज़ में कराई गई कि होम एग्ज़ाम्स होने के बावजूद भी तकरीबन 3 महीने तक उनकी टेस्ट सीरीज़ रखी गई थी, जिसके अंदर मुख्तलिफ मजामीन के तकरीबन 50 पेपर्स हमारे पास के तलबा ने अटेंड किए, और इस टेस्ट सीरीज़ को देने की वजह से, अटेम्प्ट करने की वजह से मुख्तलिफ किस्म के मजामीन में टाइम मैनेजमेंट तलबा को सीखने को मिला। इसके अंदर में स्मॉल डाउट्स पेपर वाइज तलबा के क्लियर किए गए। तलबा के दिलों में बोर्ड एग्ज़ामिनेशन को लेकर जो हेजिटेशंस, जो मसले, जो प्रॉब्लम्स थे, हमारे पास के असातिज़ा की टीम ने उन्हें अच्छे अंदाज में सॉल्व किया। इसीलिए मैं उस्ताद कोचिंग क्लासेस पर मौजूद खिदमात अंजाम देने वाले तमाम असातिज़ा का शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह का फ़ज़ल रहा
कि इस बार हमने इंग्लिश मीडियम के तलबा के लिए भी उनके अपने मजामीन के मुताबिक इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज और हिंदी के लिए मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ सब्जेक्ट के टीचर्स का जो है सो एक पैनल यहाँ पर डिज़ाइन किया, उनकी खदमात हासिल की और इंग्लिश मीडियम के तलबा को हमने जो है सो मुकम्मल एजुकेशन, मुकम्मल तालीम बोर्ड के एग्ज़ामिनेशन के हिसाब से मुहैया की, जिसका नतीजा ये रहा कि अल्लाह का फ़ज़ल है, अल्लाह का लाख एहसान है कि दो मदारिस के तलबा ने हाईएस्ट स्कोर करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह अपने स्कूलों का भी नाम रोशन किया और उस्ताद कोचिंग क्लासेस का भी नाम रोशन किया। मैं इस बात का ज़िक्र कर दूँ कि इकरा इंटरनेशनल स्कूल की तालिबा नूरा फातिमा और सना स्कूल की तालिबा महविश अनम, इन दो तालिबात ने अपने अपने स्कूल में नुमाया कामयाबी हासिल की। मेरी अल्लाह से दुआ है कि ये तमाम तलबा व तालिबात अपने मुस्तकबिल के दूसरे इम्तिहानात में भी अच्छे से अच्छे निशानात हासिल करते हुए अपनी कामयाबियों की तारीख बनाएं। मैं आप लोगों से भी गुजारिश करता हूँ कि जमात दहम की क्लासेस का आगाज़, जमात नहम दहम हशतम की क्लासेस का आगाज़ अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है, जो शहर में दो अलग अलग मकामात पर ली जाती हैं। उस्ताद कोचिंग क्लासेस तकरीबन 15 साल से पीर बुरहान पर अपनी चौक पर अपनी खिदमात अंजाम दे रहा है। इलावाजी इसके ओल्ड सिटी देगलूर नाके पर भी हमारी अपनी जो सो क्लासेस हैं, जहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के असातिज़ा तलबा को अपने अपने मजामीन की तालीम तफवीज़ करते हैं। तो नए एडमिशन्स के लिए हमारे एडमिशन्स और दाखिले का आगाज़ हो चुका है। ख्वाहिशमंद अफराद अपने नौनिहालों के मुस्तकबिल के लिए उस्ताद कोचिंग क्लासेस से रुजू हो सकते हैं।